भारतीय जनता पार्टी के सांसद मनोज तिवारी ने दिल्ली सरकार पानी की समस्या को लेकर के निशाना साधा है। भाजपा सांसद मनोज तिवारी ने कहा कि आप बहाने बनाना जानती हैं और वो जनता को सुविधा देना नहीं जानती। इन्होंने ये कहा कि दिल्ली को ना तो साफ सफाई दिया और ना ही साफ पानी दिया। कई इलाकों में जल जमाव से मुक्ति तक नहीं दी। आपको बहाने बनाना आता है और इनमें सीखने की नीयत ही नहीं है और इसका जवाब जनता इनको बहुत जल्दी हटा कर देने वाली है। आपको ये बता दें कि राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में पानी की किल्लत का मुद्दा गर्माता जा रहा है। कई इलाकों में लोगों को पानी की समस्या से जूझना पड़ रहा है। पानी बनाना जानती है, वो कभी भी जनता को सुविधा देना जानती ही नहीं। कांग्रेस 15 साल रही है इस दिल्ली में सरकार में और लगभग 10 साल पूरे होने जा रहे हैं आम आदमी पार्टी के। इन्होंने दिल्ली को न तो साफ पानी दिया, न तो पानी दिया, कई इलाकों में जल जमाव से मुक्ति नहीं दी। अब तो बुजुर्गों का पेंशन भी बंद है, दिल्ली के गरीबों का राशन कार्ड भी नहीं बन रहा है, 10 साल में एक नया राशन कार्ड नहीं बना है। आम आदमी पार्टी को बहाने बनाने आता है, इनको जनता का काम करना ही नहीं आता है और न तो नीयत है सीखने की। अब इनका टाइम हो गया है समाप्त। हमें बहुत दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि 6 महीना बाद जो चुनाव आ रहा है, अब इनसे वो चाबी ही दिल्ली की जनता छीनकर नरेंद्र मोदी जी को दे देगी डबल इंजन, जिससे हम 5 साल के अंदर भारतीय जनता पार्टी एनडीए दिल्ली का सारी समस्याओं का निदान करके देगी। हम बहुत दुखी मन से रोज दिल्ली की जनता को पानी के लिए, पेंशन के लिए खून के आंसू रुलाकर जो आम आदमी पार्टी त्राही त्राही मचाए हुए है, अब इसका जवाब दिल्ली की जनता बहुत जल्द इनको हटा कर देगी। आम आदमी